रायपुर में आज विद्या मितान संघ सामूहिक इच्छा मृत्यु की मांग करेगा। विद्या मितान संघ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री के बंगले पर पहुंचकर इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। आपको बता दें कि विद्या मितान संघ के अनिश्चितकालीन धरने का आज पांचवा दिन है। नियमितीकरण की मांगों को लेकर ये सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने सामूहिक मुंडन कराया। वहीं चौथे दिन सड़कों पर भीख मांग कर अपना विरोध भी व्यक्त किया। तस्वीरें इस वक्त आपको सीधे छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर से लाइव दिखा रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त सहयोगी सत्या राजपूत लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नौबत क्यों आन पड़ी कि ये तमाम विद्या मितान आज सामूहिक इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। सत्या, जी बिल्कुल, आज विद्या मितान संघ का हड़ताल का आज पांचवा दिन है और लगातार ये हर दिन नए तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि पहले ये मुंडन कराए, कल ये भीख मांगकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया, उसके बाद रोटी लेकर विरोध किए, आज इच्छा मृत्यु के मांग को लेकर शिक्षा मंत्री, सीएम, राज्यपाल सभी जगह ये आवेदन सौंपने वाले हैं। और इस वक्त हम बूढ़ा तालाब है राजधानी धरना स्थल पर, जहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं ये तमाम शिक्षा मितान हैं जो अपनी मांगों, नियमितीकरण और बहाली को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। और उनसे बात करते हैं कि आखिर उनको अंत में अनिश्चित इच्छा मृत्यु की मांग करने की नौबत क्यों आई। सबसे आपसे जानना चाहेंगे आज इच्छा मृत्यु की मांग करने वाले हैं किन किन लोगों को ज्ञापन सौंपने वाले हैं। हम लोग आज राज्यपाल जी को, सीएम साहब को, शिक्षा मंत्री को देंगे और पीएमओ को देंगे और राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष, जो कांग्रेस अध्यक्ष है सोनिया गांधी, राहुल जी गांधी को भी लेटर सौंपेंगे, मेल के द्वारा भेजेंगे। हम लोग आज इतने त्रस्त हो गए हैं सरकार से कि हम लोग का स्थिति समझ नहीं आ रहा है। आज इस भयंकर कोरोना काल में हम लोग को जॉब से वंचित कर दिया गया है, हम लोग भूख के मारे तरस रहे हैं, बाल बच्चे आज मतलब सड़क पे आ गए हैं भीख मांगने के लिए, हम लोग आतुर हो गए हैं। मतलब खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, जन घोषणा पत्र में नियमित करने का वादा किया है सरकार और हमको भूल गए हैं। एक तरफ न्यूज में देखने को मिलता है कि 2% ही लोगों को रोजगार नहीं मिला है और 98% को रोजगार दे दिए हैं, और एक तरफ हम भीख मांग रहे हैं। तो हम भी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, हम भी छत्तीसगढ़ के सरकार बनाए हैं, तो सरकार से बार बार निवेदन करने के बाद भी सरकार नहीं मान रही है, तो हम लोग सपरिवार एक साथ हम लोग इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। सरकार से निवेदन है कि हमको, आप तो हमको जॉब नहीं दे सकते, तो निवेदन है हमको इच्छा मृत्यु के लिए आर्डर दे दीजिए, हम छत्तीसगढ़ में मरना चाहते हैं, बस शांति से मरने दीजिए। आप बहाली की मांग कर रहे हैं, तो आप लोगों को जॉब से निकाला क्यों गया था, नौकरी से, कारण क्या था? कारण कुछ नहीं है, कारण हमको विद्या मितान के रूप में बीजेपी शासन में रखे थे, आंदोलन किए थे, तो उसमें माननीय आज के सीएम साहब जी आकर के हड़ताल तुड़वाए थे और बोले थे आप उस बिहार क्षेत्र में दूरस्थ अंचल क्षेत्र में पढ़ाते हैं जहां पे हमको जरूरत है टीचर लोग का, तो हम लोग आपके हमारे सरकार बनने पर आपको तुरंत हम नियमित कर देंगे और वहां आप लोग पढ़ाओगे। वर्ग एक में मर्ज करने के लिए शिक्षा मंत्री बनने के बाद शिक्षा मंत्री के द्वारा लेटर जारी हुआ, उसका भी कोई ठिकाना नहीं। आज 20 महीना बीत चुका है, हम लोग को टोटल पहले तो अतिथि बनाया गया विद्या मितान से, परंतु उसमें से 300 लोगों को बेरोजगार किया गया और आज 8 महीने से जब से कोरोना काल लगा हुआ है तब से किसी व्यक्ति को पेमेंट नहीं दिए हैं। इस भयंकर त्रासदी में हम लोग का जीवन एकदम कष्टमय हो चुका है, हम लोग कोरोना से तो मर ही रहे हैं और अलग से पूरा बेरोजगारी से मर रहे हैं, इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं हम तो मौत, प्यार से मौत दीजिए, शांति से मरना चाहते हैं। जब आप हड़ताल कर रहे थे, बीजेपी के कार्यकाल था, कांग्रेस आपके सभा में पहुंची, आपके धरना स्थल पर, वहां आश्वासन दिया गया था, क्या इसमें कोई टाइमिंग दिया गया था कि आप लोगों को कब तक सबलीकरण किया जाएगा, आपको बहाली किया जाएगा? समय नहीं दिया गया था, पर क्या है कि देर से किया हुआ न्याय भी अन्याय है। आज 5 साल बीतने को जाएगा, निकल तो गया है, 2 साल निकल गया है, सबका कर रहे हैं, जिसका 40,000 पेमेंट है उसको 80,000 करने में दिक्कत नहीं है, नेताओं को ग्रुप बनाने में दिक्कत नहीं है, हर जगह चुनाव कराने में दिक्कत नहीं, सब चीज हो रहा है, मात्र कोई आदमी भूख मर रहा है उसको शांत कराने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। हम मर रहे हैं, पहले प्राथमिकता ये है जो भूख मर रहा है उसके मुंह पे निवाला दिया जाए। सत्या, आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से प्रेम साय सिंह टेकाम जो शिक्षा मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि हाँ नियमितीकरण किया जाएगा, कोरोना काल में भी हमने अपने कार्यक्रम में भी उनसे सवाल किया था, लेकिन आखिर क्यों इस तरह की स्थिति आ रही है कि ये सामूहिक जिस तरह से आत्महत्या को लेके, इच्छा मृत्यु को लेके ये मांग कर रहे हैं,
और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर कोरोना काल में दूसरे सभी काम हो सकते हैं, और अगर अपने मैनिफेस्टो में उस वक्त के अगर पीसीसी चीफ भूपेश बघेल और आज के प्रदेश के मुखिया, क्योंकि बेहद ही संवेदनशील मुखिया हैं, अगर वायदा किया था तो जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकार तो लेटर जो पत्राचार है वो कर रही है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो क्यों उनसे नहीं सवाल जवाब किया जा रहा है? कहां दिक्कतें आ रही हैं सरकार को भी, शिक्षा मंत्री को भी? जी बिल्कुल, हम बात करें अगर घोषणा पत्र समिति के, तो उसमें मंत्री टी एस सिंहदेव जी वहां पे जाकर स्वयं हड़ताल में इन लोगों को आश्वासन दिए थे, उसके बाद ये लगातार मांग कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि हड़ताल कर रहे हैं, कोरोना काल के बीच में कई बार ये अपने विरोध प्रदर्शन जता चुके हैं, और ऐसे में शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर माफी मांगा कि हम लेट हो गए हैं, और तमाम तरह की बातें सामने आई। राज्यपाल के यहाँ से लेटर जारी हुआ है कि इनको नियमितीकरण किया जाए, शिक्षा मंत्री के यहाँ से लेटर जारी हो चुका है, तो ये तमाम सवाल ये है कि अगर हर जगह से लेटर जारी हो रहा है जो तो इसको सत्य बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा मंत्री की तरफ से माफीनामा भी आ गया, फिर ये भी कह दिया है कि इनको नियमितीकरण का किया जाए, राज्यपाल अनुसुईया उइके भी कह रही है, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम लेट हुए हैं, हम आप लोगों का नियमितीकरण करेंगे, फिर जो प्रदेश में जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं, जो आईएएस बैठे हुए हैं, जो तमाम अधिकारी हैं जो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, वो फिर कर क्या रहे हैं? क्या सरकार की भी नहीं सुन रहे हैं? मतलब उनके लिए सरकार और सरकारी आदेश कोई मायने नहीं रखता क्या? कोशिश करते हैं ये जी, बिल्कुल ये जानने की कोशिश करते हैं। लगातार ये अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, आप आईएएस आईपीएस प्रमुख सचिव संचालक सबके द्वार पे पहुंचे, किस तरह की प्रतिक्रिया मिली आप लोगों को? उनका कहना साफ ये है सर कि वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई निर्भर नहीं करता है, अगर हमको सीएम कुछ आदेशित करते हैं, शिक्षा मंत्री आदेशित करते हैं, तब हम करेंगे। जब हम मंत्रियों के पास जाते हैं तो उनका कहना है कि हमने अधिकारियों को बोल दिया है, हम दोनों के बीच कहा जाए सर पीसे जा रहे हैं। हमारा आपको बताना चाहूंगा सर, आज हमारी स्थिति 25 से 16 विद्यामितान है पूरे छत्तीसगढ़ में, जब हमको घोषणा पत्र में कहा गया है कि सभी का नियमितीकरण किया जाना है तो क्यों नहीं किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे ऐसे प्रक्रिया रखा गया कि 300 हमारे साथी वंचित हो गए, है ना, हमारा एक ही मांग है सर ना, हमको क्या बोलते हैं वंचित हुआ है ये हुआ है उससे मतलब नहीं, हमको 25 से 16 जो विद्यामितान है आपने घोषणा पत्र में कहा है सबको नियमित कीजिए, हमारा पहला कारण है सर। दूसरा कारण आपको बता रहा हूँ सर ना, 8 महीने से सर ना जो अतिथि भी बना था, 8 महीने में अतिथि बनने के बाद भी पेमेंट नहीं मिला सर, आपने क्या बोलते हैं सरकार के तरफ से सचिव का लेटर जारी होता है जो प्राइवेट अगर प्रमुख सचिव भी इस तरह की बातें कर रहे हैं और ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बजट नहीं है, तो फिर इनसे सेवाएं लेने का कोई औचित्य नहीं बनता। दूसरी ओर जब शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल स्वयं आदेश एक लेटर लिख रही हैं कि भाई इनको नियमित किया जाए, तो फिर आखिर प्रदेश के अधिकारी कर क्या रहे हैं? ये कहां बड़ा पेच फंस रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और इसका निराकरण भी होना चाहिए। आप नजर बनाए रखिए, दिन भर हम अपडेट आपसे लेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।